क्वेश्चन नंबर 37, बड़ा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है कि उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म समान चाल से चल रही है। इस द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस है आपके पास, क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस तो आपकी भाई सेम है 480 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी जो है रेलगाड़ी ट्रेन है वो चल रही है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है। तब बताइए कि अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाए, तब उसकी स्पीड, तब वह 3 घंटे ज्यादा समय लेगी, तो बताइए कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर ली कि हमारी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। तो अब देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर। आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप जानते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहां काम करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी वो देखिए, डिस्टेंस टाइम आपका ये है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपका डिस्टेंस ये है 480 किलोमीटर, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड बोल रहा है भाई एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया अब आपके पास टाइम। सेम बोल रहा है कि अगर आप उसकी स्पीड को, डिस्टेंस आपका सेम है, स्पीड को आपने क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, आपने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। अगर आप इतनी स्पीड कम करते हैं तब आपको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये, आपके पास अभी दोनों का टाइम है, आपने इसकी स्पीड क्या कर दी, स्पीड इसकी कम कर दी, स्पीड कम करी है तो टाइम ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब आपके पास ये, तो आपके पास स्पीड पहले टाइम कम था, इसको आप 3 या तो इसमें प्लस कर दीजिए, दोनों का टाइम क्या आ गया, इक्वल आ गया, या फिर इसमें 3 माइनस कर दीजिए, दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको टाइम ज्यादा लग रहा है ना, स्पीड इसकी कम है तो टाइम इसे ज्यादा लग रहा है, इसे ज्यादा लग रहा है तो इसका टाइम ज्यादा है, तो मैं यहां प्लस 3 कर दूं, तो अब ये दोनों बैलेंसिंग हो गए, दैट मींस अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंसिंग में आ गई, अभी ये कम थी ये ज्यादा थी, इधर प्लस कर दिया, अब ये भी क्या होगी, इसी के इक्वल हो गई, क्योंकि इसे ये टाइम कितना कम था, सपोज ये 8 आवर्स है तो ये 5 है, 5 में 3 प्लस कर दिए, अब 8 दोनों इक्वल हो गए। इस टाइप से कुछ आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप इधर ले जाइए, तो ये आ गया 3 = 480 / x - 8, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 480 / x। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, x (x - 8) करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 480, आप ले लीजिए कॉमन, चलिए नहीं तो इंटू करने के बाद भी ले सकते हैं, वैसे आप क्या 480 आपका कॉमन आ जाए तो आप इजीली क्या कर लेंगे, ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, बच गया x - 8, ये आ गया आपके पास 480, तो आपने लिया कॉमन, नहीं लेना तो आप पहले इंटू करके बाद में ले सकते हैं, ये आपके अपनी सॉल्यूशन है। ये आ गया 3 = 480, ये आ गया x - x, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 8 आ गया अपॉन x (x - 8), ये आपका कट जाएगा 16 × 3 = 180, 160 आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर इधर 1 है, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आप इंटू कर लीजिए, ये आएगा x² - 8x, इधर इंटू हो गया, ये आपके पास बचा 16, 8 जा आपको ये कर लेना 1280, ये आ गया आपके पास। अब इसको आप ले आइए x² - 8x - 1280, ये आ गया = 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाइए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a,
इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी क्या है आपका माइनस ऑफ माइनस एट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ गया आपके पास अपॉन टू ए, आपके पास वन है ए बी सी, ये आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए इसे तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू एट प्लस माइनस सिक्सटी फोर माइनस माइनस प्लस जीरो ये आ गया आपके पास डिवाइड बाय टू। सिंप्लीफाई से कीजिए ये आ गया एट प्लस माइनस, इसे सॉल्व कीजिए ये आ गया फोर एट वन फाइव और ये टू। अब आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, वो क्या आएगा देखिए फाइव एट, इस तरह से आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ये इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है अपने कैलकुलेशन की वीडियो में, वहां से आप जाके इसका स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। देखिए क्या है ये फोर टू एट, यहाँ आपको देखना है कि ये किसके स्क्वायर में, ये फोर किसके स्क्वायर से आता है ये देखना होता है आपको, तो ये आ गया टू और टू में क्या ऐड करें कि टेन आ जाए तो एट, दैट मीन्स टू का स्क्वायर तब भी यूनिट प्लेस पर फोर आएगा, एट का करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर फोर आएगा। अब ये देखना है कि ये किसके बिटवीन लाई करता है, फिफ्टी किसके स्क्वायर के बीच में, फिफ्टीन सेवन और एट के स्क्वायर के बीच में, तो छोटा नंबर आपका क्या हो गया सेवन, तो आपने यहाँ ले लेना सेवन इंटू कीजिए इससे नेक्स्ट नंबर से सेवन एट जा आपका आ गया क्या फिफ्टी सिक्स। अब ये देखिए हमारा नंबर क्या छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला हो गया, तो दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट होगा सेवेंटी टू, तो प्लस माइनस ये आ गया सेवेंटी टू डिवाइड बाई टू। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए एट प्लस सेवेंटी टू डिवाइड बाई टू और एट माइनस सेवेंटी टू डिवाइड बाई टू, ये आ गया आपका एट्टी डिवाइड बाई टू दैट मीन्स फोर्टी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का सेवेंटी टू माइनस एट करेंगे तो ये आ गया आपके पास सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर डिवाइड बाय टू माइनस सिक्सटी फोर डिवाइड बाय टू कर लेंगे, ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो इसे आप छोड़ देंगे, थर्टी टू माइनस थर्टी टू रिजेक्ट हो जाएगा ये नेगेटिव, क्योंकि स्पीड मस्ट बी, सिंस स्पीड मस्ट बी नॉन नेगेटिव सो देयर फोर x इज इक्वल टू दिस ओनली, तो आप x की वैल्यू ये लेंगे, सो हेंस x आपका ये आ गया, आपकी स्पीड उसने पूछी थी x स्पीड ये थी, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का और में क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है कि आपके पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री वेयर x नॉट इक्वल टू जीरो, x आपका जीरो नहीं है, बस आपको अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस समीकरण का हल करना है, सॉल्व करना है, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई कीजिए इसे, आप एलसीएम लीजिए, ये आएगा x x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसे लेफ्ट में ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फैक्ट अब इसका क्या लगेंगे इस पर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाइए और काम कर लीजिए, तो आप लगाइए अपना डी निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आपके पास यहां जाएगा हेयर बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल हेयर ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वन, ये आपके पास है, यहाँ b क्या आएगा माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ गया, ये आ गया आपका नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव। अब आपके x निकालना है, सो नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय टू ए, ये आ गया आपका माइनस बी माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, ये आपका नॉन जीरो है तो आपके इसके क्या रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, तो आपके पास ये आ गया टू ए आपका ये आ गया, ये आ गया आपका थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाय टू, ये आपके सॉल्यूशंस आ गए। सो द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन इज आर थ्री प्लस रूट फाइव बाय और एंड थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू, ये आपके आ गए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 38, दी गई आकृति में, ये आपके पास एक आकृति दी गई है, ये एक फिगर है, और अ कैनोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, को पूरा पानी से भरा गया है, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, पूरा का पूरा ये पानी से भरा है, बोला तथा पानी में एक गोले, पानी में एक गोला इस प्रकार डाला जाता है, ये एक गोला है जो पानी में डाल दिया गया है कि यह शंकु की सतह को छूता है, अर्थात अ स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर सच दैट व्हेन इट टचेस द साइड्स, इस तरह से डाला गया कि ये इसकी साइड्स को टच कर जाता है पूरा कंप्लीटली, इट जस्ट इमर्ज और पूरा इसमें डूब जाता है। बताइए कि पानी का कितना भाग गोले डालने पर शंकु से बाहर निकलेगा, पानी का कितना पार्ट, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना आप गोला जब डालेंगे तो कितना बाहर आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी कहती है कि जितना वॉल्यूम आप इसमें अंदर डालेंगे उतना ही वॉल्यूम आउटसाइड फ्लो करेगा, तो इट मींस आप जितना इसमें इसका वॉल्यूम होगा गोले का उतना ही पानी इसके बाहर निकलेगा, तो मतलब जितना इस गोले का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे उसका ही वॉल्यूम, जितना पानी बाहर निकल रहा है वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इस गोले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे करने वाले हैं, ये देखिए आपको पहले क्या लिखना है, गिवन जो दिया है वो आप लिख दीजिए, गिवन है आपके पास रेडियस ऑफ कोन डिनोटेड बाय आर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन डिनोटेड बाय एच इज 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन है। अब आपको क्या करना है, हमारा काम है कि मैं इसका कितना ये पार्ट बाहर आ रहा है, तो दैट मीन्स इसको जितना इतना पानी बाहर आ रहा है और ये इसमें कितना पानी भरा हुआ था वेजल में, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल देते हैं हमारा काम हो जाएगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना पानी बाहर आ रहा है उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गोले का, दैट मीन्स स्फीयर का। अब स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास की रेडियस होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो हम फर्स्ट हमें यही काम करना है कि हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्फीयर की। तो उसके लिए देखिए क्या करें, मेंशन कीजिए इसके लिए पहले आप यहां पर क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, या आपने नेम कर दिए। अब आपको क्या करना होगा, हमें निकालनी है इसकी रेडियस। तो ये देखिए एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आप इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे और इसको सिमिलर प्रूफ करके साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल करके आप निकाल लेंगे। तो देखिए जाते हम इसके लिए इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल, देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, तो इसको आप ऐसे पलटेंगे तो ये आपके पास ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स कैसे आपको बनेंगे, ओ सी तो आपके पास सी रहेगा, लेकिन ओ एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग और डी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 90 90, तो इट मींस कि ओ आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, ए के, तो ये हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप भी जाएंगे ए बी सी, इस तरह आप आ जाएंगे। अब इन दिस ट्रायंगल एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल है, ईच 90, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो कर लीजिए भाई प्रोपोर्शनल। आपको क्या क्या चाहिए वो देखिए, आपको रेडियस चाहिए, दैट मीन्स ओडी चाहिए, तो ओडी इसका आपने ओडी लिया तो इसका आ जाएगा आपके पास ए बी, इसका है ओडी तो इसका ए बी। फिर आपको क्या चाहिए, आपके पास है ये हाइपोटेन्यूस, आपके पास इसके हाइपोटेन्यूस ओ सी, इसमें आ गया आपके पास ओ सी, इसका ओ सी देन इसका ए सी आ जाएगा, इसका आपने क्या लिया OC, अगर इसका OC है तो इसका आएगा AC, इस तरह आपने ले लिया। अब OD, OD आपके पास क्या है नहीं पता, AB आपके पास क्या है, AB
ए बी आपके पास 6 गिवन है, ये आ गया 6। ओसी, ओसी आपके पास कितना है नहीं पता। एसी, एसी आपके पास कितना है, तो ये देखिए ये आपके पास 8 दिया हुआ है, ये 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये अपना 10 निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए कैसे, और अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट याद है तो इसकी हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका डबल 6, इसका डबल 8, तो इसका डबल क्या 10 होगा। एक आपको ट्रिपलेट ये भी होता है 6, 8 है, ये 6 और ये परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगी, तो आप इस तरह से ये एसी निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 और 5, ये आ गया आपके पास ओडी अपॉन 3, ओसी अपॉन 5। अब देखिए यहां पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस तरह से जब आपको रेशियो गिवन होगा, क्या रेशियो गिवन होगा, जैसे सपोज ए बाय 2 इज इक्वल्स टू बी बाय 3 है, देन ए की वैल्यू आएगी आपकी 2 एंड बी की वैल्यू आएगी 3। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। यही काम आपको यहां करना है, ओडी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ओसी आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे और यहां पर निकाल लेंगे। अब देखिए ये वैल्यूज आपके पास आ गई तो इसका मतलब आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना था कि इसमें हम रेशियो निकाल लेते हैं, किसका रेशियो आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर आर आपका क्या है ओडी, ओडी कितना है 3, तो ये आ गया आपका 3 क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रेडियस कितना है 6 है, तो ये आ गया 6 स्क्वायर इंटू एच कितना है इसका 8, हाइट इसका 8 है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3 पाई 3 × 3 × 3, ये क्यूब हो गया 1/3 पाई 6 × 6 × 8, ये आप कैंसिल आउट कीजिए, इसे 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 4 ये कट गया 4 और ये बच गया आपके पास 3/8, ये आ गया 3/8। तो ये क्या था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये कितना उसने पूछा क्या था कि कितना पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, कितना फ्रैक्शन इसका इससे ओवरफ्लो हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया 3/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 3/8 पार्ट ऑफ द वाटर, जो भी है जो वाटर था इसका उतना पार्ट इसमें ओवरफ्लो हो जाएगा, तो 3/8 फ्रैक्शन, मतलब 3/8 पार्ट और 3/8 फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, इतना वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला पार्ट है, बोल रहा है अ वेसल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, आपके पास एक ये कोन शेप का एक वेसल है, तो इसने बोला है कि ऑफ हाइट 11 सेंटीमीटर, इसका हाइट आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप इज 2 पॉइंट, इसका रेडियस जो है टॉप का वो है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, एंड इज फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, मेटलिक स्फेरिकल बॉल्स, इसमें जो है धातु की गोलियां जिसका व्यास डायमीटर आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, इसमें धातु की कुछ गोलियां हैं जिसकी आपको डायमीटर गिवन है डी 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा आपका 0.5/2 सेंटीमीटर, डाली जाती हैं तो बर्तन का 2/5 भाग पानी बाहर बाहर बह जाता है, तो जब इसमें ये गोलियां डाली जाएंगी इसमें, तो इसका 2/5 वाटर जो इसके अंदर होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो बताइए कि इसमें कितनी गोलियां डाली जाएंगी। दैट मींस कि पुट इनटू द वेजल, जब आप ये स्फेरिकल बॉल्स इसमें पुट करेंगे
देन टू फिफ्थ ऑफ द वाटर ऑफ द वेजल फ्लो आउट, टू फिफ्थ वाटर इसका फ्लो आउट बाहर आ जाएगा. तो बताइए हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेजल, तो इसमें कितनी बॉल्स डाली जाएंगी. हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स बी एन. आपने एन बॉल्स क्या की इसके अंदर डाल दी. तो अब इसमें जितनी बॉल जाएंगी, जितना वॉल्यूम इसमें जाएगा उतना ही वॉल्यूम आउट फ्लो होगा, आउट फ्लो होगा. तो इसका मतलब क्या है कि हमने एन एक का वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे, एन से इंटू करेंगे, तो आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. तो वही किसके इक्वल होगा, जितना इसमें से पानी बाहर आएगा. और उसमें पानी बाहर कितना आ रहा है, टू फिफ्थ ऑफ दिस, पूरे का टू फिफ्थ पार्ट. तो आपके पास ये, आपके पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं. यहाँ पर आप गिवन लिख लीजिए कि आपको गिवन है रेडियस आर. रेडी आर क्या है, ये रेडियस ऑफ कोन से आर इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन एच इज 11 सेंटीमीटर गिवन है. तो रेडियस ऑफ स्फीयर और स्फेरिकल बॉल इज डिनोटेड बाय आर इज 0.5/2 सेंटीमीटर. ये आ गई आपके पास. अब हमने एन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर स्फेरिकल बॉल, तो दैट मीन्स स्फीयर इनटू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल. इसमें आप एन का इनटू कर ले तो टोटल जितनी बॉल होंगी उसका वॉल्यूम आ गया. वो किसके इक्वल होगा, 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके इक्वल है. अब निकाल दीजिए यहां से, तो ये आपके पास क्या, एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³. ये आ गया 2/5 इनटू 1/3 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये आ गया. अब आप ये कैंसिल कर लीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 × 4 ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. एन इंटू 2 × r कितनी है इसकी रेडियस, 0.5/2 × 0.5/2 × 0.5/2. ये आ गया आपके पास r. r रेडियस ऑफ दिस 2.5 × 2.5 × h 11, सारा सेंटीमीटर में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है आपको यूनिट की. अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास. ये 2 से 2 कैंसिल आउट, डेसिमल हटा लीजिए, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10, 10 and 10 ये आ जाएगा. यहां से डेसिमल हटा लीजिए, 10 और 10 ये आ गया. अब आपके पास जो बचा है उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये देखिए 10 से ये 2 10 ये कैंसिल हो गए, 5 5 ज़ा 25 ये कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 ये कैंसिल हो गया. अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ ये 2 × 2 × 2, ये आपके पास एक बच गया है, और इंटू 25 ये इधर बचा हुआ है. तो सिंप्लीफाई कर, ये 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए. अब आपके पास ये क्या बचा, n इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, ये 8 आ गया, 8 5, अब ये 8 का इधर इक्वल है, इधर इंटू हो जाएगा, 8 5 40 40 × 11 आपके पास आ गया, ये आ गया 440. तो n की वैल्यू क्या आ गई, 440. सो नंबर ऑफ बॉल्स जो आपकी रहेंगी स्फेरिकल बॉल्स, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फेरिकल आर 440. This is your answer. इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई. एक आपके पास ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ. ये आपका एक क्लिफ है, बोल रहा है दो व्यक्ति 100 मीटर ऊंची चट्टान के दोनों ओर खड़े हैं. यह आपके पास 100 मीटर ऊंची तक चट्टान है, इसके दोनों ओर ये दो आदमी खड़े हुए हैं. चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके टॉप का, एक का 30 है और दूसरे का 60 है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री. फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो आपके पास ये दो मैन हो गए, ए बी,
सी डी हाइट ऑफ द क्लिफ हो गई. सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डिनोट टू मैन एंड सी डी डिनोट द हाइट ऑफ क्लिफ. इसको डिनोट करता है. अब आपके पास ये आपका हाइट हो गई परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. आपको क्या निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, दैट मींस फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए बी. सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी, आपको ये फाइंड आउट करना है. इन राइट ट्रायंगल ए डी सी आप इसमें गए, ए डी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल में गए, तो आपके पास क्या होगा, टेन सिक्सटी डिग्री ले लीजिए, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आगे आपके पास सी डी अपॉन में ए डी. यहां से 1060 की वैल्यू आपकी होती है रूट थ्री इज इक्वल टू सी डी. सी डी आपको फाइंड आपके पास गिवन है 100, ये आपको गिवन है 100 मीटर, तो ये आपका 100 हो गया. ए डी, ए डी आपको फाइंड आउट करना है. ए डी आ जाएगा आपके पास 100 अपॉन में रूट थ्री, रैशनलाइज कर लीजिए इसे, तो ये आ गया 100 रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री. क्वेश्चन नंबर वन. अब जाइए इन राइट ट्रायंगल अगेन सी डी बी, That means BDC, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले गए, तो आपके पास क्या मिलेगा 10 30 डिग्री आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस CD अपॉन में BD. यहां से आपका BD आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 बाय रूट थ्री इज इक्वल टू CD. CD आपके पास कितना है, CD है आपके पास 100 अपॉन में BD, आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहां से BD आ गया आपके पास 100 रूट थ्री. क्वेश्चन नंबर टू. अब आपको क्या निकालना है, ए डी आपको फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है ए बी. अब ए बी क्या आएगा, ए डी प्लस बी डी, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. ए डी क्या है आपके पास 100 रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री, प्लस बी डी है आपके पास 100 रूट थ्री. क्या आ जाए, आप एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 100 रूट थ्री प्लस 300 रूट थ्री, ये हो गया आपका 400 रूट थ्री बाय थ्री. आपको वैल्यू दे रखी है रूट थ्री की, बट आई यूज रूट थ्री इज इक्वल टू 400 इंटू 1.732 डिवाइड बाय थ्री, आपको ये वैल्यू यूज कर लेनी है. अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 6928 00, तो दैट मीन्स ये आपको 20 है, ये आप राइट डेसिमल शिफ्ट कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 8 आ जाएगा 00 से पहले, तो ये आ जाएगा आपका 3. अब आप इससे डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिवाइड करके 2 30.93 आता जाएगा, तो आपका 230.93 आ जाएगा. आपसे क्या पूछा था, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू मैंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज 230.93 मीटर. ये आपके दो पर्सन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. और अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेते. मैंने इस हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो में इसे दिया हुआ है, ये फॉर्मूले आप वहां से इसे देख सकते हैं. जब आपके पास इस टाइप का फिगर हो, तो आपका एच इंटू कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा टू, ये मैंने इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है अपने हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में. ये आपके पास इस टाइप का ट्रायंगल होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, ये थीटा वन और थीटा टू हो, तब आपके पास ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से आपका डायरेक्ट डी निकल आएगा बहुत सिंपली और बहुत शॉर्ट में. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट अ कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. आपके पास ये डाटा गिवन है, आपके पास ये डाटा जो गिवन है मोर देन और इक्वल्स टू 150, मोर देन और इक्वल टू 140, मोर देन और इक्वल टू 130 एंड सो ऑन, लास्ट मोर देन और इक्वल टू 80, ये आपको दे रखा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और आप इसे देखकर घूमिएगा नहीं. आपको क्या करना है, आपको इसे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह ही इसे पहले फॉर्म करेंगे. दैट मींस ये आपको क्या दिया, ऊपर से नीचे दिया, तो आप इसे पहले उल्टा करके आप इसे एकदम फॉर्म में लेके आइए, इसे सीधा कीजिए पहले. तब आपको क्या करना है, जब आपको दिया मोर देन और इक्वल टू 80, लास्ट दिया नहीं है मोर देन इक्वल टू 80, तो आप यहां से लेके चलेंगे, मोर देन और इक्वल टू 80 से आप लेके चलेंगे, तो आपके पास जो मार्क्स बनेगा, इस मार्क्स के कॉलम में आप क्या करेंगे, 80 से 90, मोर देन 10 के गैप में चल रहा है, तो 80 से 90, फिर नेक्स्ट आपका इंटरवल बनेगा 90 से 100, 100 से 110, 110 से
120, 122, 130, 130 to 140 and 140 से 150 और मोर देन 150 आपका जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप यहां पर स्टॉप कर जाइए। लिख देंगे मोर देन तो जीरो ही आएगा, तो उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप यहां तक लिख लीजिए। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको दिए हुए हैं कितने। अब जब आपने अपने सीआई को, अपने मार्क्स को उल्टा रिवर्स में लिखा हुआ है, तो आप इसे भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। जब उसने बोला मोर देन और इक्वल टू 80, तब आपको दिया 150। मोर देन इक्वल टू 80 में आपके पास कितने स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट। 90 से 100 वाले कितने स्टूडेंट है, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट है आपके, 141 एंड देन 124, 105, 60, 27 एंड 12 और मोर देन 150 जीरो, उससे 150 ज्यादा किसी के भी नहीं है। तो अब आपको क्या निकालना है, ये आपको जो दे रखा है ये देखिए, ये कैसे दे रखा है, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा दिया हुआ है। जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से दिया होता है, तो आपका वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या दे रखे हैं, क्लास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपके पास क्या होती है, सीएफ होता है आपका। तो पहले इससे आप अपना एफ निकालिए, क्या निकालेंगे, अपना एफ निकाल लीजिए, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अपना एफ आप कैसे निकाले, या तो आप नीचे से ये माइनस करते जाइए, या फिर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए। तो ये 150 में से ये आपने माइनस कर दिया 141, ये आ गया 9, इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास 17, देन आपने 124 माइनस 105 किया, आ गया ये 19, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास 45, ये आपने माइनस कर दिया 60 माइनस 27 आ गया ये आपका 33, 27 माइनस ये कर देंगे आपके पास 12, आपका आया 15 और ये लास्ट आ गया आपका 12। इस तरह से आप निकाल लेंगे, या फिर आप नीचे से भी कर सकते हैं, 12 आपने क्या किया, 12 का 12 लिखा और फिर इन दोनों का डिफरेंस 15, इनका डिफरेंस ये, इनका डिफरेंस ये, एंड सो ऑन, इस तरह आप अरेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आपको जो सीएफ दिया हुआ था, अब आपको ये मोर देन वाले टाइप का है, तो आपको क्या करना है, अब दोबारा से अपना सीएफ नया बनाना पड़ेगा। इस सीएफ के बाद भी आपको एक नया सीएफ बनाना पड़ेगा, तो आप अपना नया सीएफ बना लीजिए। ये आएगा आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसमें आप क्या करेंगे, ये 9 आ गया, 9 प्लस इनको कंसेक्यूटिव इन सबको ऐड करते आते हैं सीएफ, 9 प्लस 17, 9 प्लस 17 आपका आ गया ये 26, 26 प्लस 19 आ गया 45, 45 प्लस 90 प्लस 33 ये आ गया आपके पास 123 और ये आ गया 138 और ये प्लस आ गया आपका 150, ये टोटल आ चुका है आपका। अब आपको क्या करना है, ये आपकी टेबल हो गई रेडी, इस तरह से आप अपनी टेबल बना लेंगे, अब आपका काम है। अब यहां से आप क्या करते हैं, आपको अपना n बाय टू निकालना है, तो n आपके पास क्या होता है, ये लास्ट वाला जो सीएफ होता है यही आपका n होता है, सीएफ में लास्ट वाला ये नंबर है ये आपका n होता है। तो ये आ गया आपके पास 150 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 75, ठीक है। अब आपको ये देखना 75 आपके मार्क्स कहां आएंगे, सीएफ का मतलब है 9 मार्क्स तक के स्टूडेंट यहां आएंगे और इसके बाद 26 तक यहां इतने स्टूडेंट होंगे और इस इंटरवल में 26 से 45 वाले यहां होंगे, 45 से ऊपर 90 तक के स्टूडेंट यहां होंगे। आपका 75 है तो 45 वाले ये आएंगे यहां तक, 45 से ज्यादा वाले किसमें आएंगे, इस वाले इंटरवल में। तो आप इसे ये सर्कल ऐसे बना लीजिए, इसमें ये बन गया। अब इस जो आपका सीआई में ये है 90 से ऊपर वाला, ये आपका इसमें सीएफ होता है, क्या होता है, इससे अबव जो होती है ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपका एफ, एफ आपका ये हो गया और ये आप क्या हो गया, एल, लोअर लिमिट, इस इंटरवल में लोअर लिमिट। सो हियर आपके पास एल है कितना, 110 आ गया, एफ कितना आ गया, 45 आ गया, सीएफ कितना आ गया आपका, 45 आ गया, ये आपका डाटा। अब आप अपना फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीडियन का फॉर्मूला लगाइए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहां पर एच आपके पास और गिवन है, एच क्या होता है, हाइट ऑफ दिस क्लास साइज होता है ये, तो ये आ गया आपके पास 10, 120 माइनस 110 ये आ गया 10। यहां फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, एल कितना है आपका 110 प्लस एन बाय टू 75 माइनस सी एफ 45 अपॉन एफ 45 इंटू 10। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो ये आपके पास आ गया 110 प्लस माइनस कर दीजिए आ गया ये 30 बाय 45 इंटू 10, ये काट दीजिए 53, 10 थ्री जा
थ्री टेंजा आ गया और थ्री फिफ्टीन थ्री जा और काट लीजिए, फाइव टू जा थ्री फाइव जा, ये आ गया आपके पास 110 प्लस 20/3, 110 प्लस डिवाइड कर लीजिए 3 6 18, 2.36 36, ये आता जाएगा, तो ये आ गया 10 110 प्लस 10.67, ऐड कर दीजिए ये आ गया 116.67। तो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस क्लास। सो द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा is 116.67। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप अपना ये आंसर करेंगे। ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आप कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, जो भी आपके पास आंसर है इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको और इसी से रिलेटेड इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियोस बना दूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बैठने से पहले प्रिपरेशन कैसे करें ये आप सीख सकें, और कैसे कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहां भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए वो क्वेश्चन की वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।